हेलो दोस्तों, आज है 7 मई 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि वैसाख कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए सबसे बड़ा अपडेट और अलर्ट भी आया है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, काम की ताजा खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 7 मई का दिन है और आज है विश्व अस्थमा दिवस, यानी हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है ना। ये सांस से जुड़ी बीमारी और बच्चों और बड़ों दोनों को ही प्रभावित करती है और कोरोना के बाद इस तरह की बीमारी के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले सांस की बीमारियां हुआ करती थी लेकिन काफी कम संख्या में, लेकिन कोरोना के बाद से ही ऐसे मामले बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, सांस संबंधी परेशानियां, अस्थमा। ये बात हम हमारे मन से नहीं कर रहे, कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने निकल कर आई है ना। और आज लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार यानी आज 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार रद्द हो जाने से और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं ना। और बाड़मेर के एक बूथ पर 8 मई को दोबारा वोटिंग होगी, चुनाव आयोग ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट इस बार काफी ज्यादा चर्चा में भी है, यहाँ से बीजेपी के कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट के एक मतदान बूथ पर भी मत की गोपनीयता भंग होने के कारण 8 मई को पुनर्मतदान होगा, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को वापस मिलेगा लूटा हुआ धन, कानूनी सलाह ले रहा हूं। आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। दरअसल आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे इस बार में कानूनी सलाह ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लूटा हुआ जितना भी धन है वो गरीबों को वापस कैसे मिलेगा। एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार से लूटे गए गरीबों के धन को वापस करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है ना। और दिल्ली एलजी की सिफारिश हुई है, केजरीवाल की एनआईए जांच हो, दिल्ली सीएम पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी लगा है। इंडिया में अब चल रहा सर्विस सेक्टर का सिक्का, टूटा 14 सालों का रिकॉर्ड। एक तरफ दुनिया मंदी की चपेट में है तो वहीं इंडिया तेजी से ग्रोथ की चढ़ाई चढ़ रहा है और इन सब के बीच भारत में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अपने 14 साल के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर है। वहीं बड़ी खबर में आप देखिए झारखंड में किस तरह से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, मोदी माल पकड़ रहा है, पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने उड़ीसा में कहा कि बीजेडी 25 साल में मुश्किलें कम नहीं कर पाई है, एक बार भाजपा को मौका देकर देखिए, 5 साल में हम उड़ीसा को नंबर 1 बना देंगे, भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी, भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने झारखंड में ईडी की कार्रवाई का भी जिक्र किया है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को ईडी की टीमों ने 6 जगहों पर छापेमारी की और ईडी को इसमें 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इधर मालदीव की अकल ठिकाने आ गई है, मालदीव में 40% भारतीय टूरिस्ट घट गए और पर्यटन मंत्री ने भारतीयों से आने की अपील की है और कहा कि हमारी इकोनॉमी टूरिज्म में भेजना है। ठिकाने आया होश तो भारत से किस तरह से मालदीव अब गिड़गिड़ाने लगा है। बाकी तो पहले जो दादागिरी थी आप लोगों ने देखी होगी, कई सारी खबरें चली। पहले हमास ने सीज फायर के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है, हमास नेता ने कतर के पीएम से फोन पर बात कर शर्तें मानी है, युद्ध विराम 3 चरणों में संभव होगा। शराब नीति घोटाला के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है, कोर्ट ने कहा कि राहत देने का ये सही वक्त नहीं है, 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। बीएसएनएल वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बीएसएनएल देश भर में अगस्त से 4G सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी होगी, पंजाब से शुरुआत होगी, 112,000 से ज्यादा टावर इंस्टॉल होंगे। इस तरह की खबरें और अपडेट्स हैं। पंजाब में करीब 8 लाख 4G सब्सक्राइबर्स हो गए हैं ना। और गौतम अडानी बैंकों से लेने जा रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए का लोन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, हालांकि धीरे धीरे अडानी ग्रुप इससे बाहर निकला और दोबारा निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा, कंपनी के शेयरों ने दोबारा रफ्तार भी पकड़ी। फिलहाल अडानी बैंकों से करीब 5,000 करोड़ का लोन लेने की योजना बना रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी अभी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दरअसल अरबपति गौतम अडानी का समूह अपने मौजूदा लोन को रीफाइनेंस करने के लिए लगभग 600 मिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज जुटाने की योजना बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें राफा पर हमले करने के लिए तैयार इजरायली सेना, 1 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह भेजा जाएगा। सीज फायर के लिए इजराइल पहुंचे CIA के डायरेक्टर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में ईरानी जहाज पकड़ा, भारतीय चालक दल से दुर्व्यवहार कर रहा था बोट मालिक, पासपोर्ट जब्त किए थे। फ्रांस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध देखने को मिला, काफिले के रास्ते पर आजाद तिब्बत के बैनर टांगे गए, 2 एक्टिविस्ट को वहां पर अरेस्ट किया गया। हीट वेव से खतरा किन लोगों को ज्यादा,
लू के थपेड़ों से बचिएगा। जब जरूरी घर से बाहर निकलना हो तभी बाहर निकलिए। देश के कई राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कई जगह पर 40 से 45 डिग्री के पार तापमान चल रहा है और ऐसे गर्मी के मौसम में बच्चों का, बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का और किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों का जरूर ध्यान दीजिएगा। दोपहर के समय बच्चों को बाहर न निकलने दें, खेल कूद के लिए सुबह और शाम का समय निर्धारित करें। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की बजाय नींबू पानी, ORS का घोल और मौसमी फलों का ताजा जूस पिलाएं, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। ढीले और हल्के कपड़े पहनाएं। अगर बच्चा स्कूल वगैरह जाता है तो उसके साथ पानी की बोतल भी जरूर रखें। टिफिन में भी हल्का खाना दें। हीट वेव की चपेट में आने से बुजुर्ग हाइपरथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, सिर घूमना, अगर स्थितियां गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। बुजुर्गों को भी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जितना हो सके घर में रहें। बहुत ज्यादा वजन उठाने या मेहनत के काम करने से बचें और बाहर वगैरह निकल रहे हैं तो सिर को टोपी या गमछे से ढककर रखें। भूखे पेट बाहर ना जाएं, है ना, तो थोड़ी सी सावधानियां गर्मी के मौसम में जरूर रखनी पड़ेगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल लाना बैन होगा। राजस्थान से जुड़ी ये खबर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फोन एक तरह की बीमारी है, टीचर शेयर मार्केट देखने में व्यस्त रहते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा और इसके पीछे उनका ये तर्क है कि स्कूलों में टीचर्स पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या देखते रहते हैं, टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है, अब सरकारी शिक्षकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आ भी जाता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। अब आप कहोगे अगर हमारे तो कोई इमरजेंसी हो गई तो? इमरजेंसी की स्थिति में प्रिंसिपल के पास फोन आएगा और वह शिक्षकों को सूचना देगा। अगर किसी से बात करनी है तो फिर बात कराई जाएगी, लेकिन शिक्षकों को किसी भी हाल में स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं मिलेगी, है ना। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 21 मई से 27 मई तक हज फ्लाइट होगी रवाना। जयपुर से 3671 हज यात्री रवाना होंगे। दो दिवसीय टीकाकरण और प्रशिक्षण शिविर में 605 का टीकाकरण हुआ। UPSC में चयनित राजस्थान के युवाओं से CM भजन लाल ने मुलाकात की है और कहा कि आने वाला समय युवाओं का है, विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए भूमिका निभाएं। मुंबई ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी लगाई। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को अंतरिम जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर से जेल में। मैरिको को चौथी तिमाही में 320 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर ये 4.92% बढ़ा है। सिंघानिया बोले, निजी जीवन का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मेरा निजी जीवन मेरा है। 10,000 करोड़ का रेमंड ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोकिया और एरिक्सन से बातचीत कर रहा है वोडाफोन आइडिया। जून जुलाई में 4G नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए ऑर्डर दे सकती है कंपनी। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आज भी आ रही है। जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में प्रसूता ने सोमवार सुबह 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। प्रसूता और उसके 4 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। 4 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, उन्हें NICU में रखा गया है। महिला की यह 3री डिलीवरी थी और इससे पहले 2 डिलीवरी में उनके बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल इसमें 2 लड़के और 2 लड़की जन्म लिए। पंजाब में आज जारी होगा लोकसभा चुनाव नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ और हिमाचल में 14 मई तक नामांकन भरे जाएंगे, 17 तक नाम वापस ले सकेंगे। चीन क्यों कर रहा है गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी? चीन में आम लोगों से लेकर और चीन के सेंट्रल बैंक तक गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं। चीन गोल्ड में निवेश करने वाले ये वो लोग हैं जिनका भरोसा चीनी शेयर मार्केट से उठ चुका है। दरअसल चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों में गोल्ड में निवेश करने के अलावा वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसलिए सोना तो लेना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में भी विश्वास नहीं है तो फिर पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए, तो सोना ही सोना उन्हें दिखाई दे रहा है ना। बड़ी खबर आ रही है, आज होगा एप्पल का बड़ा इवेंट। नए आईपैड, नए आईफोन या एप्पल के जो नए नए डिवाइस हैं, क्या लॉन्च होने वाला है, क्या प्रोग्राम बन रहा है फ्यूचर में, ऐसी जानकारी आज देखने को मिलेगी। और अलर्ट बड़ी खबर भी, आप मोबाइल फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल में आप अगर आपके 13 तरह के ऐप है तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। एक सिक्योरिटी फर्म ने एक रिपोर्ट में 13 मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी है जो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। फोन का डेटा चोरी हो सकता है, पासवर्ड वगैरह आपने सेट कर रखा है तो वो देख सकता है। कौन कौन से ऐप है इनकी जानकारी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई है, ये नाम है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं बड़ी खबर है, 3 घंटे के अंदर हटाओ डीप फेक और AI निर्मित सूचनाएं। 3रे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग एक्शन में। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने खौफनाक कदम उठाया है। परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सैन्य अभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों को भी शामिल किया जाएगा। इधर इजराइल ने 14 लाख शरणार्थियों को रफा छोड़ने का आदेश दिया और उधर युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास सहमत हो गया है। राहुल गांधी ने
कहा कि हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाएंगे। अलीराजपुर में कहा कि कोर्ट ने जो 50% का लिमिट लगा रखा है उसे हटा देंगे। केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगा। 11 साल से जवाब पेश नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुस्त रवैया और नरमी नहीं बरत सकते है ना। और सुनीता केजरीवाल आएगी पंजाब, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोग्राम तैयार हुआ है। ICSE और ISC बोर्ड रिजल्ट जारी हो गया है। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। सोना 71,621 रुपए पर पहुंचा, चांदी भी 80,965 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सोमवार को ओंकारेश्वर ऊखी मठ से शुरू हुई डोली यात्रा। 9 मई को ये डोली पहुंचेगी केदारनाथ मंदिर। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। सेंसेक्स 17 अंक की तेजी के साथ 73,895 पर बंद हुआ। निफ्टी में 33 अंक की गिरावट रही। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली। IRE, DA, REC और PFC के शेयर बहुत ज्यादा दड़ाम हुए। RBI का एक फैसला जो भारी गिरावट की वजह बना। भारी गिरावट आने से निवेशकों को भारी नुकसान भी पहुंचा और उनके लाखों रुपए डूब गए। दरअसल RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दिए जाने वाले लोन की गारंटी को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि बैंकिंग रेगुलेटर ने कर्ज उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्रस्ताव दिया कि वे निर्माणाधीन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अधिक प्रोविजनिंग को अलग रखें। अभी हाल ही में RBI ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट की निगरानी सख्त करने का प्रस्ताव है ना। और बड़ी खबर आ रही है इंडियन बैंक के नतीजे जारी, रिजल्ट। जी हाँ, मुनाफा 55% बढ़कर 2247 करोड़ रुपए रहा। सेबी का 2 SME कंपनियों पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। प्रमोटर्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं, यानी प्रमोटर्स पर खुद ही कंपनियों के शेयर में पंप एंड डंप का आरोप है। सेबी ने वित्तीय खातों में फर्जीवाड़े पर 2 SME कंपनियों पर यह एक्शन लिया। डिजिटल करेंसी को लेकर RBI गवर्नर ने भी बड़ी बात कही है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लेन देन को स्थायी रूप से हटाकर ई रुपए यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के जरिए लेन देन को ऐसा बनाया जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इससे एक कागजी मुद्रा के समकक्ष हो सकती है। सरकारी तेल कंपनी बांटेंगी फ्री में शेयर। 9 मई को महत्वपूर्ण बैठक। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड का स्टॉक बोर्ड की 9 मई को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वही आपको बता दें IPO में निवेश का मौका भी चल रहा है। 8 मई तक आप बोली लगा सकते हैं। इंडेजिन लिमिटेड के IPO में निवेश का मौका चल रहा है। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 4 बजे तक नहीं होगी पढ़ाई, बिहार से जुड़ी खबर। गया में 14 मई तक 10:30 बजे से नहीं चलेगा स्कूल, DM का फरमान जारी हुआ है। वहीं बिहार के 19 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, येलो अलर्ट है। भीषण गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी और आज से 10 मई तक बारिश के कई इलाकों में अनुमान है। नगरपालिका के कर्मचारियों की वोटिंग से पहले बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। 940 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल गया है। गुना नगरपालिका और नगरपालिका के अधीन जल प्रकोष्ठ में कार्यरत विभिन्न वर्गों के लगभग 940 कर्मचारियों को मतदान से पहले बड़ी खुशखबरी हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा अब दूध पर भी देंगे बोनस। कहा कि वनाधिकार के जिनके पास पट्टे नहीं है आचार संहिता हटने के बाद देंगे। अब क्रिप्टो करेंसी से भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मसालों में ज्यादा कीटनाशक वाली खबरों को FSSAI ने फर्जी बताया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार ने नामांकन भरा है। आम आदमी पार्टी नेता भी साथ रहे। एयर पोल्यूशन से जुड़ी खबर है। फिर खराब श्रेणी में दिल्ली की आबोहवा। गुरुग्राम सबसे प्रदूषित। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी है, बोले कि ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजस्थान की भूमि भू वैज्ञानिकों के लिए बड़ा सवाल बन चुकी है। बीकानेर के बाद अब बालोतरा की जमीन में भी दरार देखने को मिली है। आपको मालूम होगा बीकानेर के लुणकसर में 1 महीने पहले 1.5 बीघा जमीन धस गई थी और अब बाड़मेर के बालोतरा के निकट नागाना में अचानक जमीन में बड़ी दरार देखने को मिली है। इस घटना के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीमें जांच के लिए पहुंच रही है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हो गई है। BCCI का खास अंदाज देख रोहित भी हैरान हुए। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो गया। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर आ रही है, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को RTE के तहत 25% कोटे से सशर्त छूट देने वाली अधिसूचना पर रोक लग गई है। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल होने पर शिक्षा के अधिकार कोटा के तहत छात्रों को प्रवेश देने से छूट दी गई थी। अगले 5 दिन गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लू के हालात बन सकते हैं और कई राज्यों में बरसात भी देखने को मिलेगी। 2-3 दिन से लू के हालात चल रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर है, मुक्त शिक्षा विद्यालय की निदेशक पायल मागो ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने फीस माफी स्कीम की घोषणा की है और कहा कि मुक्त शिक्षा विद्यालय यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 2025 का जो सत्र है 2024-25 इस अकादमिक सत्र में 8.5 क्यूमुलेटिव ग्रेड यानी पॉइंट CGPA हासिल करने वाले छात्रों की पूरी 100% फीस माफ होगी। शुगर एक्सपोर्ट करने से जुड़ी खबर है, ISMA ने सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड रखी है, किसानों को फायदा मिलेगा। बजाज की पहली CNG बाइक का डिजाइन लॉन्च
मंथ से पहले ही लीक हो गया है। ये तो आपको मालूम ही है कि बजाज जल्द ही पहली सीएनजी बाइक को भारतीय मार्केट में पेश करने की तैयारी कर रहा है। लीक नहीं हुआ नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर, एनटीए ने सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर प्रतिक्रिया दी है। नीट का पेपर वायरल नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एनटीए एजेंसी की तरफ से कहा गया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे क्वेश्चन पेपर के फोटोग्राफ का परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है। गूगल से मुकाबला करने के लिए ओपन एआई का चैट जीपीटी सर्च इंजन आ रहा है। एआई फीचर से यूजर्स का अनुभव बदला देखने को मिलेगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग भी पिछड़े, उन्हें भी मिले मुफ्त कोचिंग का लाभ। जामिया से दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश में अनारक्षित पदों में से ही ईडब्ल्यूएस को दी जाए 10% सीटें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में साफ किया गया है कि आरक्षित पदों में से ही 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाए। वहीं राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। अब इस योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर पाने वाले लाभार्थियों को केवाईसी करवाना जरूरी है। गूगल का नया नियम 30 मई से लागू हो रहा है। फोटो वीडियो शेयर करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गूगल के नियमों को बाईपास करके अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता था, जिसे लेकर गूगल ने अपने नियमों में बदलाव किया है। गूगल ने अपने विज्ञापन पॉलिसी में कड़े प्रावधान किए हैं, जो किसी भी यूजर्स को सेक्सुअली भड़काऊ कंटेंट को परोसने वाली साइट और एप्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यूपी के किसान भाइयों के लिए आई मौज, इस योजना के तहत 1,00,000 रुपए मिलते हैं। सरकार ने खेत तालाब योजना चलाई हुई है, इसकी डिटेल जानकारी लीजिएगा और फायदा लीजिएगा। एक्सिस बैंक में 80,00,000 रुपए का गबन, वाइस प्रेसिडेंट ने एफआईआर दर्ज कराई। ब्रांच मैनेजर, कैशियर और सेल्स प्रबंधक गिरफ्तार हुए हैं। अपना बिजनेस करने वालों के लिए बड़ी खबर है, टैक्स कानून को लेकर बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही है। एमएसएमईज को 45 दिनों के भीतर पेमेंट करने से जुड़े आयकर कानून को लेकर बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही है। चार धाम में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस तैयार, 30% से अधिक फोर्स बढ़ाई गई है और इस बार 5 नए संवेदनशील जोन बैरियर भी बनाए गए। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाकर 12% कर सकती है सरकार, सीधा आपको फायदा मिलेगा। मिजोरम से जुड़ी खबर है, खराब मौसम और ओलावृष्टि से हजारों घर तबाह हो गए। पिछले 5 दिन में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 192 विश्वविद्यालयों के वीसी ने राहुल गांधी के खिलाफ खत लिखा है और बताया कि कैसे कुलपति चुने जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा था कि यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति योग्यता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जाती है, लेकिन इसका विरोध करते हुए 192 यूनिवर्सिटियों के वीसी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में इसका विरोध किया गया है। और साथ ही यह भी बताया गया कि उनका चयन किस तरह से होता है, किस आधार पर होता है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में बीते दिनों हुई बारिश ने काफी तबाही मचाई है। वहीं इस बारिश की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई है और ऐसे में राज्य सरकार ने आज 7 मई तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। वहीं दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर एक बार फिर से, एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके फोन में भी ये 2 ऐप है तो आप तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। पहले भी हमने आपको वो 13 तरह के ऐप बताए थे, 2 ये ऐप और आ रहे हैं। इनमें से पहला है Xiaomi फाइल मैनेजर, जिसके 1 बिलियन यानी 1 करोड़ डाउनलोड है, और दूसरा WPS ऑफिस, जिसके 500 मिलियन डाउनलोड है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्या क्यों, तो ऐसा नहीं है, आप तुरंत इन्हें डिलीट कर दीजिएगा अगर फायदे में रहना चाहते हैं तो। और अगर इस खबर के बारे में आप और विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर गूगल करके आप सर्च कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिलेगा। यहाँ अगर हम छोटी छोटी डिटेल जानकारी आपको बताने लगेंगे तो फिर ये वीडियो जाएगा बहुत बड़ा, समझिएगा दोस्तों, है ना। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों और छात्रों के लिए भी जरूरी खबर है। केजरीवाल सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वो उन जगहों की पहचान करें जहां से गंभीर परिस्थिति, मौसमी स्थिति या भारी खतरों से तुरंत स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सभी स्कूलों में आवश्यक सामान, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं वगैरह की व्यवस्था भी रखी जाए। CBSE ने जारी किया डिजी लॉकर एक्सेस कोड। CBSE रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड डिजिटल एक्सेस के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर रहा है, विशेष रूप से डिजी लॉकर के लिए। छात्रों को अब स्कूल से एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड यानी 6 अंकों का एक पिन लेना होगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर, चुनाव के बाद गुंडों की गर्मी धीरे धीरे शांत हो जाएगी, शाहजहांपुर में गरजे सीएम योगी। सेल कर्मचारियों के नाइट अलाउंस में इजाफा होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कामगारों की रात्रि पाली भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर प्रबंधन ने नया प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में वर्तमान रात्रि भत्ता 90 रुपए को बढ़ाकर 250 रुपए करने की बात कही गई है और इस पर जल्द ही फाइनल फैसला होगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां और हेडलाइंस अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों, जान पहचान वालों सबके साथ शेयर कर दीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप भी हर रोज ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।